अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर हूँ ब्लू बेल स्कूल से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये आपका वाकफ़त आमा का लेक्चर है। आप सब अपनी वाकफ़त आमा की किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर 36, 36, बाब नंबर 7, मस्कन हैबिटेट। मस्कन एक ऐसी जगह है जहाँ जानवर रहते हैं। मस्कन जानवरों के रहने की जगह को कहते हैं। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कायनात में ज़मीन ही एक ऐसा सियारा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन, ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाती है। पौधे सूरज से हासिल करदा तवानाई एनर्जी को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं और बाकी जानदार लिविंग थिंग्स जिंदा रहने के लिए पौधों पर इनसार करते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। सूरज जानदार को ज़िंदा रहने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको मज़ीद मैं आपको जूम सेशन में एक्सप्लेन करूँगी। अब आप सब अपनी वाकफ़त आमा की कॉपीज़ खोल लें। आज हमने सबसे पहले आप पेज रेडी कर लें। तारीख लिखें 9 सितंबर, 21 जमात का काम दिन जुमेरात। सबक नंबर 7 मस्कन। सवाल नंबर 1 है हमारा, मस्कन की तारीफ़ करें। जवाब, मस्कन वो कुदरती माहौल है जहां जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, मस्कन एक ऐसी जगह है जहां जानवर रहते हैं, जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं और अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसको मज़ीद मैं आपको वजाहत जूम मीटिंग में करूँगी। आप सब ने जूम मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।